तो गाइस इस वीडियो में अपन बात कर गए यहाँ पे सनी देओल की जो मूवी है गाइस यहाँ पे गदर वन, जो कि यहाँ पे रिलीज सिनेमाघरों में यहाँ पे 22 साल के बाद यहाँ पे रिलीज हुई है गाइस। और इसी का तुम्हारा भाई इस वीडियो में यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे बताने वाला है गाइस, जो कि यहाँ पे बाप लेवल का यहाँ पे निकल कर आया है। इसका है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे जानने के लिए वीडियो को यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को एक यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना। किसी दिल की वीडियो करते स्टार्ट, तो बात की जाएगा इस गदर वन की, जिस मूवी को रिलीज हुए गाइस यहाँ पे 22 साल हो चुके गाइस। और इस मूवी को दोबारा यहाँ पे सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था गाइस यहाँ पे रिलीज, और इस मूवी ने जो अभी दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होकर जो बॉक्स ऑफिस पे जो तहस-नहस किया गया एकदम बाप लेवल का। बात की जगह यहाँ पे गदर वन की जो यहाँ पे दोबारा रिलीज होने के बाद यहाँ पे कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने यहाँ पे कर लिया गया उसके बारे में बात की जाए, तो इसने डे वन पे यहाँ पे 30 लाख के लगभग यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिया नेट कलेक्शन किया था गाइस। दूसरा गाइस इस मूवी को रिलीज हुए गाइस यहाँ पे 4 दिन हो चुके हैं गाइस, और इस मूवी की जो यहाँ पे 3 दिनों का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे ऑफिशियली निकल कर आ चुका है गाइस। 3 दिनों में इस मूवी ने जो यहाँ पे इंडिया नेट कलेक्शन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है गाइस वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के लगभग यहाँ पे कर लिया गया, यानी कि एकदम बाप लेवल का कलेक्शन किया गया, यानी कि 22 साल के बाद रिलीज हुई गई और उसके बाद भी 1 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया। तो गाइस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 22 साल के बाद इस मूवी ने 1 करोड़ का यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया, तो इसी से आप इसका क्रेज देख लो गाइस कितने बाप लेवल का क्रेज है गाइस। जब गदर 2 यहाँ पे सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भाई साहब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस तो यहाँ पे फटने वाला है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता देना।